हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो भैया, चैप्टर का आज जो है वो लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मींस इस मंडे से हम लोग बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो तैयार रहिएगा आप लोग सभी, ठीक है? ये 2 दिन चलेगा बस, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और इसको खत्म करते हैं। तो बच्चों, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ब्रैकेट में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। बहुत अटपटा टॉपिक, नया। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी वायर में करंट पास कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अभी तक ये तो सीखा था कि जब भी हम किसी भी वायर में करंट पास कराते हैं तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है? तो इस जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। अब बेटा, अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसका रिवर्स कर दें, तो वो भी सच है। क्या? कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं, मूव, तो बेटा उसमें करंट डेवलप हो जाता है। है अजीब सा? पहले क्या था कि जब हम करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब क्या है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और करंट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है ना? मैं कह सकता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराता हूं तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और करंट प्रोड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस इफेक्ट को मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बनाना किसकी मदद से? मैग्नेटिज्म की मदद से। यही तो बताया कि मान लीजिए मेरे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मेरा कंडक्टर है, मैं इसको रोटेट मूव कराऊंगा तो बेटा डेफिनेटली इसमें करंट आ जाएगा, ठीक है? और इस फेनोमेनो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि जब हम करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अब क्या पढ़ाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है और अगर हम एक वायर को मूव कराएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया आप कुछ भी कह रहे हो, मान ले। मैंने कहा ठीक है, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट है 2 इसके भी और चैप्टर खत्म, बस 2 ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? तो देखते हैं। तो सुन लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी The production of electricity from magnetism is called EMI. Short में कहते हैं EMI, electromagnetic induction. आगे point लिखिए बेटा, ये वाला जो था, ये जिन्होंने डिस्कवर किया था बेटा, जिस इफेक्ट को जिसने डिस्कवर किया था बेटा, ये फेनोमेना जो था वो डिस्कवर किया था, लिख लीजिए, इट वॉज माइकल फैराडे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फैराडे एंड हेनरी। दोनों ने अलग अलग, एक साथ नहीं किया था, दोनों ने अलग अलग इसको प्रूफ किया था, डिस्कवर किया था। दिस लिख लीजिए, this it was discovered by Faraday, Michael Faraday and Joseph Henry in 1831. Michael Faraday, Joseph, लिख लो, Joseph, Michael Faraday, Joseph Henry ने 1831 में इसको discover किया था। बेटा ये effect इतने काम का था, इतना helpful था कि आज जो आप देखते हो generator, दिखा होगा कि जनरेटर में एक कॉइल जब लगाता है घूमती है, ऐसे घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, आपके घरों में करंट आ जाता है जिसकी वजह से चीजें चल पाती है। देखा होगा ना, जनरेटर में यही तो होता है कि जब हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल डालने से वो जो मोटर है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर जो भी कॉइल है वो घूमती है बहुत तेजी से लगातार, हमें बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा घुमाना पड़ता है उसको, और घुमाते 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 एकदम छोड़ देते हैं और वो लगातार घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है,
और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस करती रहती है, करंट प्रोड्यूस करती रहती है। तो वहां पर भी क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इस इफेक्ट पे कौन वर्क करता है, जनरेटर। ठीक है, पहले वाले पे कौन वर्क कर रहा था, मोटर, इस पे कौन वर्क करता है, जनरेटर। तो लिख लीजिए, इट लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स It led to the construction of generators for producing electricity. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे जिससे ये वाली चीज प्रूफ हो जाती है ना, जिससे ये चीज क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लिखिए इसको प्रूफ करने का, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, आप लिखिएगा। अब मैं इसको इरेज करके कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जो हमारे एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए, पहला एक्सपेरिमेंट किया था, डेमोन्स्ट्रेशन था, लिख लीजिए EMI बाय यूजिंग EMI by using a straight wire and magnet, यानी मैग्नेट और स्ट्रेट वायर में हम ये EMI को देखेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो क्या किया गया, मैं कुछ फिगर बनाऊंगा और आपको कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी ध्यान से सुनिए। ठीक है, समझ में आएगा, अभी दो मिनट रुकिए बस। ठीक है बच्चों, आपको जैसा कि दिख रहा है यहां पर क्या है, तो मैग्नेट है, दिख रहा है, ये तो मैग्नेट है बेटा, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। अभी सुनना, बीच में क्या जा रहा है, एक सुनते रहना मेरी बात, एक वायर जा रहा है, समझ गए, ये इनके बीच में क्या है, एक वायर है और ये वायर कुछ ऐसे, सुनना मेरी बात, समझ में आएगा भी आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसे, यानी इनके बीच में वायर है, भी समझाऊंगा मैं आपको बेटा। ये जो वायर है ये भी जीरो पे है, ये सेंटर में जीरो है बेटा, ये जो लग रहा है ना इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये जो मैंने यहाँ पर मीटर लगाया है इसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब बेटा आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस को बताता है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन, कि वो डायरेक्शन क्या है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है या ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्ट करता है करंट को। ये क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर, करंट को क्या करता है बच्चों, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट समझते हो, करंट है या नहीं वो पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, जब कोई भी करंट नहीं होता तो जो उसका पॉइंटर होता है वो जीरो की तरफ होता है, जब कोई करंट नहीं होता तो उसका जो पॉइंटर होता है वो किस में होता है, किसकी तरफ होता है, जीरो की तरफ। अभी जीरो पे है, जीरो का मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। हाँ अगर ये देखो, ये जब भी इसमें करंट आएगा या तो ये ऐसा होगा या फिर, ठीक है, या तो ये ऐसे मूव करेगा या फिर ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंटर है, ये जीरो पे है, तो या तो ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे, और जब कोई करंट नहीं होगा तो वो किस पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम है क्या, करंट को
प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आते हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलो गैल्वेनोमीटर के बारे में लिख लीजिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, आ जाता है कभी कभी, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट कर लेता है करंट को, प्रेजेंस को किसी भी सर्किट में, चाहे छोटा सा भी करंट हो। अब मेरी बात आगे सुन लीजिए, इसको इरेज कर देंगे, सुनिए। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए ये दोनों तरफ मेरे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब मैं उसमें ये वायर को मूव करा रहा हूं, तो इस वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटा याद रखना, वो करंट जो प्रोड्यूस होता है, अचानक से प्रोड्यूस होता है, हमने प्रोड्यूस कराया, उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस करंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट होता है करंट, ये बस नाम क्या हो गया, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब कि ये हमने प्रोड्यूस कराया, ये बैटरी से नहीं आ रहा है, ये हम लोगों ने खुद इंड्यूस कराया एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, किसी फेनोमेना की मदद से। तो वो करंट जैसे जनरेटर में प्रोड्यूस होता है करंट, तो वो करंट कौन सा होगा? इंड्यूस करंट होगा। तो याद रखिएगा, इंड्यूस करंट का मतलब क्या है कि ये करंट हमने प्रोड्यूस करा है, डेवलप करा है, एट अ पॉइंट अचानक से डेवलप किया गया है। तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि इंड्यूस करंट क्या है। ठीक है, लिख लीजिए द करंट, लिख लीजिए इसके बारे में भी थोड़ा सा टाइम, और फिर आगे चलते हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड, लिख लीजिए द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस करंट। ठीक है, हमेशा याद रखना, वो करंट जो हमने प्रोड्यूस करा है कब? कंडक्टर को मूव कराने से, वो क्या कहलाया जाएगा? इंड्यूस करंट। इसको उतारिए और इस एक्सपेरिमेंट पे आइए, आज इसको खत्म करना है एक्सपेरिमेंट। सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा इसका कि ये क्या लिया है हमने, बस मैं केवल इसके इफेक्ट लिखवाऊंगा कि क्या हुआ। ठीक है, सुन लीजिए, मैं कुछ रामायण लिखवाऊंगा, अब देखो सुनो। मान लीजिए ठीक है, समझना, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। बेटा ये ऐसे है वायर, समझ गए, कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे आपके सामने ऐसे रखा है, मान लीजिए। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और यहीं कहीं बीच में क्या लग रहा होगा, इसके नीचे यहीं पे कहीं क्या लग रहा होगा, यहाँ क्या लग रहा होगा, कहीं गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही मैंने इसको हल्का सा, देखो सुनो, हल्का सा ऊपर मूव कराया, सुनना क्या कराया, मूव, तो जैसे ही मैं इसको, सुनो मेरी बात, सुनना, जैसे ही मैं इसको मूव करा रहा था ऊपर की तरफ, जब तक मूव कराया, जब तक मैंने क्या देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर था इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, और जैसे जब तक मूव हो रहा था, जब तक मूव हो रहा था, लेकिन जैसे ही मूव होते 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 मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप करते ही ये पॉइंटर क्या हो गया, जीरो की तरफ आ गया। मैंने कहा ये क्या चीज हुई, फिर यहां तक पहुंच गया था वायर, मैंने अब और ऊपर मूव कराया, और ऊपर मूव कराया, जैसे ही तुरंत मूव कराया फिर इसमें ये डायरेक्शन आ गया। ठीक है, डायरेक्शन आ गया यहां तक, फिर मैंने यहां स्टॉप कर दिया, मैंने देखा फिर इसका पॉइंटर जीरो हो गया। यानी यहां से मैंने ये एक चीज नोटिस करी कि जब जब वायर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कैसे,
जब यहां पर था इंटरसेक्ट कर रहा था लगातार ऊपर की तरफ चल रहा था तो करंट हो गया, लेकिन जहां भी रोक दिया करंट जीरो, फिर मूव कराया फिर करंट आ गया, फिर रोक दिया फिर जीरो। यानी जब जब वो मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भी रख दो, जब जब मूव करेगा, जब जब वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मूविंग करेगा, जब जब इसमें क्या आ रहा था, करंट आ रहा था, और जो करंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी, ये जैसे इसको पढ़ लिया, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या हुआ, इस साइड हुआ, तो मैं कह सकता हूं करंट। अब ऐसा मत समझना कि बस एक बार मूव करा दिया तो करंट प्रोड्यूस हो गया, यानी लगातार मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ लगातार ये मूव करेगा जब जब करंट आएगा। लेकिन कहीं भी मैंने अगर इस वायर को स्टॉप कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहां से हमें ये बात तो पता चल गई कि जब जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, जब जब करंट प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही मैं उसको स्टॉप कर दूंगा करंट चला जाएगा। ठीक है, अब एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। अब तक तो क्या था, वायर को ऊपर ले जाया जा रहा था, वायर को ऊपर ऐसे। अब मैंने देखा क्यों ना मैं इसको नीचे ले जाके दिखाऊं, तो मैं नीचे ले जा रहा था ऐसे, तो मैंने देखा जब जब मैं इसको नीचे ले जा रहा था तो जब जब भी करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस बार करंट की डायरेक्शन क्या थी, जब मैं इसको नीचे ले जा रहा था तो इस बार जो करंट की डायरेक्शन थी वो ये थी, यानी ये बन। यानी अगर हम कंडक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर दें, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दें, पहले ऊपर की तरफ ले जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन ये थी, अब मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जब भी हम स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे, अप एंड डाउन कराएंगे, तो लगातार उसमें करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेट जो हुआ उसको कहेंगे इंड्यूस करंट। अगर हम वायर के मोशन की डायरेक्शन चेंज करते हैं, पहले अप ले जा रहे थे अब डाउन ले जा रहे हैं, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ था उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करा, मान लो तीसरा केस मैंने क्या करा, मैं वायर को पहले तो ऊपर ले जा रहा हूँ फिर नीचे ले जा रहा हूँ, फिर ऊपर ले जा रहा हूँ फिर नीचे ले जा रहा हूँ, फिर ऊपर ले जा रहा हूँ फिर नीचे ले जा रहा हूँ, फिर ऊपर ले जा रहा हूँ फिर नीचे ले जा रहा हूँ। तो जब जब मैंने ऐसे करा तो एक बार तो सुई इधर जाती, फिर जीरो पे आती और फिर इधर हो जाती, फिर इस पे आती फिर जीरो पे हो जाती, कुछ ऐसे। पहले एक बार तो सुई ये गई, फिर ये जीरो पे आई, फिर ये गई फिर जीरो पे आई, फिर ये गई फिर जीरो पे आई, फिर ये गई फिर जीरो पे, है ना। तो यही यहां से क्या प्रूफ होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट खत्म है, जरा इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लो और इसको खत्म करो। लिखो इसके बारे में पहला पॉइंट, मैं पूरी रामायण नहीं लिखा हुआ कि मैं इसको ऊपर ले गया नीचे ले गया, बस वो तुम्हें अपना समझ जाना। क्या लिखेंगे, द मूवमेंट कुल मिला के वायर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लगातार एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव होने चाहिए, बस तब करंट प्रोड्यूस होगा। अगर कहीं भी स्टॉप हो गया इन दोनों के बीच का मूवमेंट, तो वो करंट भी चला गया। ठीक है, तो अब तक तो मैं वायर को मूव करा रहा हूँ, लेकिन जहां भी मैंने स्टॉप करा करंट गया, यानी लगातार मूव होता रहना चाहिए, है ना। लिखो इसमें पहले क्या लिखो, द मूवमेंट ऑफ अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड The movement of a wire in a magnetic field can produce electric current. पहले सुनो सारी बात ध्यान से, can produce electric current. अगला पार्ट लिखो इसमें, आगे लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन ऑल्सो बी रिवर्स बाय Can also be reversed by can also be reversed by changing the
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड। अब कहोगे ये क्या है भैया, आपने ये तो पढ़ा दिया कि जब वायर की डायरेक्शन को चेंज करेंगे मोशन की तो फील्ड करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अब मैं कह रहा हूं पहले यहां था साउथ पोल, यहां था नॉर्थ पोल, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो अब भी जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हाउ कैन यू चेंज द रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन EMI, तो क्या लिखोगे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से कुछ भी कर दो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस बात से मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। कुल मिला के मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में मूव करना चाहिए, जब जब मूव करेगा जब जब करंट आएगा, यानी दोनों एक दूसरे को रिलेटिव होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को मूविंग कंडीशन में देखते रहने चाहिए, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव होना चाहिए। अब चाहे तो वायर मूव करा दो चाहे मैग्नेट। अब कहोगे भैया ये क्या कह रहे हो आप, मैग्नेट को कैसे मूव कराएंगे, अगला डेमोस्ट्रेशन वही है, अभी भूल जाओ उसे, वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक देखो, किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे। क्या है कि अभी हमने क्या कराया, केवल वायर मूव कराया है ना। आगे चलते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट खत्म है। पहली बात तो इसमें बस एक पॉइंट और लिख लीजिए और इसको एंड करते हैं, ठीक है। और लिखिए क्या है वो पॉइंट, ठीक है। एक मिनट, सुनेंगे मेरी सभी बात, पहले मेरी बात सुनेंगे सभी। इफ अ वायर, लास्ट पॉइंट, इफ अ वायर इज कैप्ट फिक्स्ड बट, ये कल सिखाऊंगा, बट मैग्नेट इज मूव, बट अ मैग्नेट इज, मतलब उल्टा कर दिया, अब वायर को मूव करा रहे थे, अब किसको मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को। मैग्नेट इज मूव्ड इवन देन अ करंट इज फ्लोइंग, मतलब कुल मिला के चाहे तो वायर को, अभी तक तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में वायर को ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं, मैग्नेट को फिक्स कर रखा, ये मैग्नेट क्या है, फिक्स्ड है, और वायर को क्या करा रहे हैं, ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वायर को फिक्स कर दिया जाए, मैग्नेट को मूव कराया जाए उसके चारों तरफ, तब भी करंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव होते रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और आप मेरे सामने मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा है, तो पहला केस तो क्या है कि वो मेरे तरफ चक्कर लगा रहा है, मेरे तरफ चक्कर लगा रहा है, तब भी तो हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में होंगे। जैसे ये इंक है, अब ये मार्कर इसका चक्कर लगा रहा है ना, या फिर इसको फिक्स कर दो और ये इसका चक्कर लगा रहा है, तो बात तो एक ही है ना, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में माने जाएंगे तो मोशन में ही ना। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस इन दोनों के बीच में मोशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करते रहने चाहिए, और जब भी मोशन होगा करंट आ जाएगा। तो पहले केस में वायर को मूव कराया था, कल अगले एक्सपेरिमेंट में अब इसको मूव करा के देखेंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, सर्कुलर कॉइल। तो यहाँ से हम इतना करते हैं, तो EMI खत्म हो चुका है, ज्यादा नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है। कल हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल करके इसे खत्म करते हैं इस वीक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास, कोई भी परेशानी हो इसे पूछेंगे बेफिक्र होके, ठीक है, आज हम यही खत्म करते हैं, थैंक यू क्लास। होमवर्क ग्रुप पे आ जाएगा, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो यही है होमवर्क का कि इसके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना, पूरा डेमोंस्ट्रेशन लिखना, अभी सुन लो, और जिसको होमवर्क नहीं आया देख देना, पहले बता रहा हूँ, बहुत बच्चों का होमवर्क नहीं आया है, ना मेरे ट्यूशन वाले बच्चों का ना स्कूल वाले बच्चों का, होमवर्क टाइम से सेंड करो, सुन लो सभी, वरना कॉल कर दूंगा घर पे, ठीक है। तो होमवर्क पहला क्वेश्चन मिल चुका है, बाकी के ग्रुप पे सेंड करता हूँ, आज के लिए इतना, थैंक यू।